एवरीवन, मैं हूँ अनामिका और आज मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई कपकेक, जिसे आप बर्थडे पार्टी पे या एनिवर्सरी में बना के सब लोगों को खुश कर सकते हैं। तो आइए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई कपकेक बनाने के लिए आधा कप गुनगुना दूध लेंगे, उसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर और चुटकी भर केसर डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि केसर का अच्छा सा कलर आ जाए। अब एक बोल में एक कप मैदा, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के इसे छान लेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक बोल में आधा कप पिसी हुई चीनी, ये रेगुलर चीनी जिसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था, 1/3 कप फ्रेश दही और 1/4 कप अनसॉल्टेड बटर डाल देंगे और हमने जो केसर इलायची का दूध बनाया था वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे स्पैचुला या बीटर की मदद से इसे मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब हमने जो ड्राई मिक्सचर बनाया था उसमें धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर लेंगे। इसे कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। ये कपकेक लाइनर्स है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा चम्मच हम इसे बैटर को डाल देंगे। ध्यान रखिए कि हमें इससे बैटर को पूरा नहीं भरना है, 2/3 पार्ट हमें इसे खाली रखना है ताकि कपकेक हमारा अच्छे से फूले। इसी तरह से सारे कपकेक लाइनर्स में हम बैटर भर देंगे। अवन मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। अब इसे टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। अब इस तरह की बेकिंग ट्रे में हम इसे प्लेस कर देंगे। इस तरह से हम इसे सारे कपकेक लाइनर्स को रख देंगे और 180 डिग्री पे 20 से 22 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे, या तब तक जब तक हमारी टूथपिक क्लियर नहीं निकल जाती। इस तरह का चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड है जो ईजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता को रफली चॉप कर दिया था और इस तरह से इसे मोल्ड में भर देंगे। ये वाइट चॉकलेट है जिसे मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दिया था। अब इस मेल्टेड चॉकलेट को इस मोल्ड में भर देंगे। इसी तरह से सारे चॉकलेट को भर देंगे और टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए और 10 मिनट के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे। व्हिप क्रीम बनाने के लिए हमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम चाहिए और ध्यान रखिए कि बोल, व्हिपिंग क्रीम और ब्लेड्स एकदम चिल्ड होने चाहिए, इससे आपका व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से बनेगा। लो टू हाई स्पीड में इसे हमें व्हिप करना है। 6 से 7 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि स्टिफ पिक्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के स्टिफ पिक्स बनने शुरू हो गए, इसका मतलब हमारा व्हिप क्रीम रेडी हो चुका है। दस मिनट के बाद में चॉकलेट मोल्ड को निकाल देंगे और ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। इस तरह से सारे चॉकलेट को डीमोल्ड कर देंगे। अब जो थोड़ा सा अनइवन पार्ट है, यानी थोड़ी सी चॉकलेट जो बाहर निकल गई है, उसे चाकू की मदद से इसे काट लेंगे। अब व्हिप क्रीम के अंदर फूड जेल कलर डाल देंगे, करीबन 2 ड्रॉप मैंने इसमें लेमन येलो कलर डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कपकेक को नोजल की मदद से या चम्मच की मदद से बीच वाला पार्ट हमें इसे निकाल देंगे। अब इसके अंदर रसमलाई के 2 टुकड़े करके इसके अंदर हम इसे भर देंगे। इसी तरह से हम सारे कपकेक को रसमलाई से भर देंगे। अब एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर डालेंगे और इसे साइड में से अच्छे से रब कर लेंगे ताकि रोसेट की बहुत अच्छे से डिजाइन आए। अब इसके अंदर व्हिप क्रीम को भर देंगे। मैंने इसमें ओपन स्टार नोजल का इस्तेमाल किया है। अब पाइपिंग बैग को कपकेक के बीच में से इस तरह से हमें सर्कल बनाना है, इस तरह से ताकि पूरा कपकेक हमारा कवर हो जाए।
इसी तरह से हम सारे रसमलाई कपकेक में रोसेट्स बना लेंगे। रसमलाई कपकेक बनाने के लिए जो हमने चॉकलेट को बनाया था उसे डेकोरेट करने के लिए लगा देंगे। इसमें थोड़ी सी रसमलाई और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे वो भी लगा देंगे और लास्ट में रोज़ पेटल से इसे हम डेकोरेट करेंगे। इस मज़ेदार से रसमलाई कपकेक को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।